हाय वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोग बताऊंगी आप घर पे किस तरीके से फेशियल हेयर रिमूव कर सकते हैं, वो भी 100% नेचुरल तरीके से। जी हाँ दोस्तों, हम लड़कियों को अक्सर फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाने पड़ते हैं, प्लकिंग, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, जी हाँ, जो बहुत ज्यादा पेनफुल होने के साथ साथ बहुत ही टाइम वेस्टिंग भी होते हैं। अक्सर इतना टाइम नहीं होता इन सारी चीजों को करने का। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही नेचुरल तरीके से फेशियल हेयर रिमूव करने का तरीका बताऊंगी, जो बहुत ईजी भी है, साथ में कोई भी इसे अपना कर भी सकता और इसे लगाने के बाद आपकी जो जो हेयर ग्रोथ है वो ही बंद हो जाएगी। साथ में आपके फेस पे टैनिंग हो रखी है या किसी वेरे में स्किन एलर्जीज है या जिसे बोलते हैं एक्ने या किसी भी तरीके की स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगी। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों देखते हैं इसे बनाना कैसे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हल्दी लेना है। जी हाँ दोस्तों, हल्दी बहुत ही अच्छी होती है हमारे स्किन के लिए, जैसे मैंने बताया हेयर ग्रोथ को आपके बंद कर देगी, साथ में अगर आपके फेस पे टैनिंग वाली हो रखी तो इसके लिए बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम हल्दी लेंगे, हल्दी हमें एक चम्मच के करीब लेनी है। जी हाँ, आप एक चम्मच, आप चाहे तो कस्तूरी हल्दी जिसे वाइल्ड टर्मरिक बोलते हैं आप वो भी ले सकते हैं, तो या किचन हल्दी भी ले सकते हैं। तो मैंने एक चम्मच के करीब हल्दी ली है, अब हम इसमें एक चम्मच के करीब दूध डालेंगे। जी हाँ, आप चाहे तो दूध भी ऐड कर सकते हैं या इसमें गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे जिससे कि हमारा जो थिक पेस्ट बन करके तैयार हो, हमें बहुत पतला नहीं बनाना इसे, तो हम इसमें बस उतना ही डालेंगे जितना हमारा इसमें गाढ़ा पेस्ट बन करके तैयार हो, और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो मिक्सचर है बिल्कुल गाढ़ा बना है, हमें बहुत पतला नहीं करना, मैंने जैसे आपको बताया है, तो बस इसी तरीके से हमें इसे गाढ़ा रखना है। इसे मैं थोड़ा सा दूध और डालूंगी। तो दोस्तों हमें बस ऐसे ही गाढ़ा पेस्ट बनाना था, मैंने जैसे दिखाया आपको, एक चम्मच हल्दी ली है तो एक चम्मच के करीब दूध लिया है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी आप दूध ले सकते हैं, आपको ऐसी क्वांटिटी में ही रखना है, इसका टेक्सचर बहुत गाढ़ा बहुत पतला नहीं रखना है। तो आई चलिए मैं आपको लगा करके अब इसे दिखाती हूँ। तो दोस्तों मैं आपको इसे लगा करके दिखाती हूँ, मैं कोई मिरर नहीं यूज़ करके डायरेक्ट कैमरा में देख करके लगा रही हूँ। मैं अपने अपर एरिया में, अपर लिप्स एरिया में आपको लगा कर दिखा रही हूँ। आपको जहाँ भी फेस पे बाले हैं या चिन पे या अपने इस साइड, तो आप इधर भी लगा सकते हैं। तो मैं अपर लिप्स पे आपको लगा करके दिखा रही हूँ ट्रायल के लिए। तो दोस्तों हमें 15 से 20 मिनटों के लिए इसे लगा के छोड़ देना है ताकि ये सूख जाए। जी हाँ, मुझे पता है मैं बहुत फनी लग रही हूँ। तो दोस्तों 15 से 20 मिनट के लिए लगा करके इसे छोड़ देना है, उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों 15 मिनट ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं, अब हमें क्या करना है कि हमें इसकी स्क्रबिंग करनी है। जी हाँ, ताकि जो हमारे जो बाल है वो उसके साथ रिमूव हो जाए। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये नेचुरल रेमेडी है तो ये टाइम लेती, ऐसा नहीं कि एक बार आप इसे लगाओगे तो पूरा बाल आपका निकल जाएगा। आप इसे रेगुलर यूज़ करोगे तो आपके बालों की जो ग्रोथ है वो बंद हो जाएगी। और अगर आप इसे, मैं आपको बताऊंगी, अगर आप इसे रेगुलर लगाते हो तो आपको अपनी हल्दी की जो क्वांटिटी है उसे कम रखनी है। मतलब जैसे फर्स्ट टाइम आप लगा रहे हो तो गाढ़ा पेस्ट, मैंने आपको बताया आपको गाढ़ा ही लगाना है ताकि आपकी स्क्रबिंग हो सके। और हल्दी की क्वांटिटी अगर आप डेली लगाते हो तो उसकी क्वांटिटी आपको कम रखनी है, आप समझ गए। तो आप चलिए आई मैं आपको उसे रिमूव करके दिखाती हूँ। तो रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, या तो अपने फिंगर से नॉर्मली इसे स्क्रबिंग करके निकाल सकते हो या कोई कपड़ा ले लो। तो मैं डायरेक्ट अपने हाथों से आपको स्क्रबिंग करके दिखा रही हूँ, मैं इस तरीके से फिंगर टिप से करनी है। आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से झड़ रहा है क्योंकि ये सूख चुका है। वो सर्कुलर मोशन में अपनी स्क्रबिंग करनी है। तो आपको भी सेम इसी तरीके से इसे लगाना है, ऐसे ही अप्लाई करना है। और आप देख सकते हैं मेरे जितने भी मैंने जो मिक्सचर लगाया था, मेरे इस एरिया की अच्छी खासी स्क्रबिंग हो चुकी। तो दोस्तों मैंने जो अब इस एरिया की स्क्रबिंग कर ली है, अब हमें क्या करना है, एक टॉवल लेना है, बेड टॉवल लेना, उस एरिया को अच्छे से डैप करते हुए अपने इस एरिया को साफ कर लीजिए
और देखेंगे वो जो एरिया जो आपने यहाँ पे लगाया था वो बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है, और सीरिंग जितने भी डेड सेल थे उससे वो डेड सेल भी निकल जाएंगे, और उसे आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपकी जो ग्रोथ है आपको हमेशा, हाँ आपको इस मिक्सचर को अपने बालों की ग्रोथ के साइड में लगाना, मतलब जिधर से आपके बालों की ग्रोथ है उस डायरेक्शन में लगाना है। तो मैंने जिस साइड में लगाया था, मेरे बालों की जिस साइड ग्रोथ थी मैंने उस तरफ लगाया, तो आपको भी सेम उसी डायरेक्शन में लगाना है, बालों की ग्रोथ के डायरेक्शन में। जी हाँ, हल्दी आपको कम डालना है, अगर रेगुलर यूज़ कर रहे हैं आप हफ्ते में से 3 से 4 बार भी यूज़ कर सकते हैं, या डेली यूज़ कर रहे हो तो आपको अपनी हल्दी की क्वांटिटी इसमें कम रखनी है। जी हाँ, अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करके देखते हो तो आपकी जो बालों की ग्रोथ है वो बहुत ही कम हो जाएगी। जी हाँ, आपको कोई ट्रीटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नेचुरल असमाया हुआ नुस्खा है और मैं खुद यूज़ करती हूँ, और मेरे देख सकते हैं मेरे फेशियल हेयर बहुत ही कम है, मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का DIY हेयर रिमूवल। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये नुस्खा कैसा लगा। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ हमेशा एक तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।